तो वो संत जी के लिए हम अपना सर कटवा भी देंगे। जब सर कटवा भी सकते हैं तो हम काट भी सकते हैं। कंगना रनौत और कंट्रोवर्सी ज्यादा दिन एक दूसरे से दूर नहीं रह सकते। ऐसे में अब कंगना को जान से मारने की धमकी मिली है, वो भी सिख समुदाय के एक व्यक्ति की तरफ से। कौन है ये व्यक्ति और क्यों मिली है कंगना को धमकी, चलिए आपको इस वीडियो में बताते हैं। ये है विक्की थॉमस सिंह, जो कि एक ईसाई से निहंग बने हैं, और इसी शख्स ने कंगना के खिलाफ वीडियो भी जारी किया है। इस वीडियो में कंगना रनौत को खुलेआम जान से मारने की धमकी देते हुए विक्की कहता है कि अगर फिल्म में उन्हें यानी मारे गए खालिस्तानी नायक जनरल सिंह भिंडरावाले को आतंकवादी के रूप में दर्शाया गया है तो याद रखें कि इंदिरा गांधी के साथ क्या हुआ था, जिनकी फिल्म आप बना रहे हैं। सतवंत सिंह और बेअंत सिंह कौन थे? हम संत जी को अपना सिर अर्पित करेंगे और जो सिर अर्पित कर सकते हैं वो अपना सिर भी काट सकते हैं। तो देखिए, कंगना की फिल्म इमरजेंसी जल्द ही बड़े पर्दे पर आने वाली है। अब देखिए, फिल्म अगर कंगना की बायोपिक है तो जनरल सिंह भिंडरावाले का जिक्र भी फिल्म में होगा ही। ऐसे में जब फिल्म का ट्रेलर रिलीज हुआ तो फिल्म में कई चीजें दर्शाने पर सिख संगठन के कुछ लोग भड़क गए। उन्हीं में से एक है विक्की थॉमस सिंह। वहीं कई सिख संगठन ने कंगना की फिल्म इमरजेंसी पर बैन लगाने की भी मांग की है। संगठनों के मुताबिक फिल्म में सिख कम्युनिटी को बैड लाइट्स में दिखाने की कोशिश की गई है। हालांकि फिल्म 6 सितंबर को रिलीज होनी है और अभी तक इसका सिर्फ ट्रेलर ही रिलीज किया गया है। बावजूद इसके इस पर बैन लगाने की मांग की जा रही है। SGPC का कहना है जनरल सिंह भिंडरावाले को कम्युनिटी शहीद घोषित किया गया है और पूरे सिख समुदाय को अलगाववादी बताना गलत है। लेकिन देखा जाए तो कंगना का ये सिख समुदाय संग चल रहा पुराना विवाद, जहां कंगना की आने वाली फिल्म ने कट्टरपंथी सिख संगठनों को नाराज कर दिया है, वहीं 2021 में किसान आंदोलन के दौरान हुई दो आपराधिक घटनाओं को उजागर करने वाले उनके बयान ने भी किसान यूनियन नेताओं को नाराज कर दिया था। वहीं हाल में दिए इंटरव्यू में कंगना ने भारत की पूर्व प्रधानमंत्री रही इंदिरा गांधी के अलगाववादियों और खालिस्तानियों के खिलाफ लिए एक्शन को भी सही ठहराया है। कंगना ने कहा था कि वो खालिस्तानी सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे थे। हमें महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को नहीं भूलना चाहिए, उन्होंने उन्हें अपने जूतों के नीचे दबा दिया था। उन्हें अपने जीवन का बलिदान देकर और देश के विनाश को रोककर उन्हें मच्छरों की तरह कुचलना पड़ा। उनकी मृत्यु के दशकों बाद भी लोग डर से कांपते हैं। उनके पास उनके जैसा गुरु नहीं होगा। जान से मारने की धमकियों पर कंगना रनौत का अभी तक फिलहाल कोई बयान नहीं आया है और ना ही फिल्म को लेकर कोई अपडेट दी गई है। इमरजेंसी की रिलीज डेट इससे पहले जून की तय की गई थी, लेकिन राजनीतिक कामों की वजह से कंगना ने इसे टालकर 6 सितंबर के लिए तय किया। फिल्म में कंगना के साथ परेश रावल, श्रेयस तलपड़े, महिमा चौधरी जैसे एक्ट्रेस शामिल है। अब देखना ये होगा कि कंगना को मिली हुई धमकियों पर काबू पा लेती हैं या फिर एक और दफा फिल्म की रिलीज डेट आगे बढ़ाई जाएगी। आपका क्या कहना है इस पूरे मामले पर, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं और देखते रहें इंडिया टीवी शो बज़।